हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैं हूँ स्वाति। तो कैसे हैं आप लोग सभी, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। गुड इवनिंग दोस्तों। और अभी यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ वॉलपेपर, तो ये मैंने लेकर रखा था और किचन के लिए लिया था, तो मैंने कहा कि चलो अभी मैं लगा ही लेती हूँ, क्योंकि ईशु के बर्थडे के पहले से ही घर में डिलीवर हो चुका था और फिर इतने सारे गेस्ट वगैरह थे तो इसी कारण मैंने लगा ही नहीं था, तो धीरे धीरे करके मैं लगा रही हूँ। मोक्ष उसके पास खड़ा रहे। मोक्ष चार्जिंग कुछ उतर ली, चार्जिंग कुछ उतर ली। हाँ बेटू, चार्जिंग उतर गई। हाँ आ रहे हैं। यीशु के नाम पे बाल देखो। बस बस देंगे। अरे वाह, अरे वाह, बाल तो देखे यीशु के लंबे लंबे बाल करना है मनते। आता सलान से नहीं है तो लंबे बाल करना है मनते। ये कटा मोक्ष के कटा दू। नहीं रुको रुको, मोक्ष के कटा रही मैं बाल। मोक्ष रुको रुको रुको। आज मैं करने वाली ईशु का टकला, क्योंकि ईशु के जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा पतले हैं। वैसे करने का मन नहीं था, जब मैं हेयर कट कर रही थी ना ईशु के, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जैसे कि स्कूल तो बंद हो गई है और फिर अभी छोटी हैं तो कर लेती हूँ, और जून जुलाई में स्कूल चालू होने वाली हैं तो उस समय उसके हेयर भी आ जाएंगे। तो टकला करने के बाद मैं यहाँ पर जो बोरा होता है जूट वाला, वो उसको मतलब जला के और नारियल के ऑयल में मिक्स करके उसके टकले पर लगा दूँगी। तो मतलब बोलते हैं ऐसा कि बाल उससे अच्छे आते, घने आते। अब देखते हैं, कभी ट्राई नहीं किया है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी बताती है कि मुझे भी ऐसे ही लगा कर देती थी। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार तो मैं लगा कर ही देखती हूँ क्या होता है, क्या नहीं। रिजल्ट हो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी आ गई मैं किचन में, बनाना है डिनर। तो पता है, मैं सबसे पहले एक बात बता देती हूँ, जैसे ना मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मैं लहसुन को प्याज के साथ फ्राई नहीं करती हूँ तो क्या होता है, और लहसुन का जो पेस्ट होता है वो जल्दी नहीं पकता है और बहुत देर तक कच्ची स्मेल आती है। कभी कभी ना बहुत बार मतलब ऐसा हो ही जाता है कि सब्ज़ी तो जैसे पक जाती है, बट वो जो मसाला है वो नहीं पकता है। तो इसी कारण आजकल मैं क्या करने लगी हूँ कि जब भी लहसुन जैसे कि प्याज वगैरह को पकाती हूँ, जैसे मसाला रेडी करना रहता है तो उसमें ही मैं पका लेती हूँ लहसुन वगैरह को, अदरक को भी, जितना भी मसाला रहता है जैसे मुझे करना रहता है तो वो सब इंक्लूड कर देती हूँ। उसके बाद उसका पेस्ट बनाती हूँ, तो मसाला बहुत जल्दी पक जाता है और जो कच्ची स्मेल आती है वो भी नहीं आती है। ज़रूर बताइएगा मेरा किचन अब कैसा लग रहा है। अभी जैसे कि मुझे थोड़ा सा और उसको अच्छे से रखना है, बट पता है इतनी ज़्यादा आलसी आने लगी है और काम भी इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये वाले जो किचन के अंदर के काम रहते हैं वो हो ही नहीं पाता। और जबकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर निकालो ना तो निकल ही जाता है, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहता है। और बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी, जैसे कि आपको बताया था पेस्ट मैंने रेडी कर ली है। ऑयल और खड़े मसाले मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है, क्योंकि इसमें मैं सावजी मसाला ऐड करने वाली हूँ, तो इसी कारण मैंने सोचा कि चलिए इसमें ऐड नहीं करती हूँ। जैसे खड़े मसाले, उसमें ही बहुत सारे मसाले रहते हैं और बहुत तेज रहता है, क्योंकि सावजी जो मसाला है वो महाराष्ट्रियन जैसे लोग खाते हैं, जैसे सावजी वगैरह का नॉनवेज बनता है ना, उसमें ऐड करते हैं। अंडे
को है ना चिल रही थी तो ये निकल ही नहीं रहा था अच्छे से, तो मैंने बाहर दे दिया है इसको पील करने के लिए। और यहाँ पर मसाला थोड़ा सा चल गया था क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था। और जैसे कि ये मिडल वाला फ्लेम है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मीन्स कि हाई एकदम कम नहीं होता है, मीन्स कि थोड़ा सा मीडियम रहता है, तो इस कारण उससे मसाला जल जाता है। तो यहाँ पर बस मसाला पक गया है, हल्का सा जला है पर कोई बात नहीं, वो जला सा नहीं लगेगा। और इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, तो मिर्ची मैंने ऐड कर दी है इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादा खाती हूँ, और ये है सावजी मसाला, ये मतलब हर कहीं मिल जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हल्दी डाल लूँगी, धनिया पाउडर नहीं था, ख़त्म हो गया है, तो बस इतना ही डालूँगी। वैसे भी मैं धनिया पाउडर बहुत कम डालती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो बस मसाले को अच्छे से पक। यहाँ पर मैं लगाऊंगी हीटर क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और कोई यहाँ पर फ़ैन वगैरह नहीं है मेरे पास, टेबल फ़ैन भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर रख लेती। तो बस अभी मेरा डिनर हो गया है, मैं लास्ट महीने दिखाना भूल जाती हूँ कभी कभी, पता है लेट हो जाती हूँ ना, तक खाना खाने की इतनी जल्दी रहती है जिस सबको ही, तो मैं दिखाना भूल जाती हूँ। तो आज मुझे किचन का क्लीन करना था, मीन्स कि इसको वॉश करना था अच्छे से, क्योंकि जब से फंक्शन हुआ है बर्थडे वगैरह का, तो उसके बाद से मैंने साफ़ ही नहीं किया था। अगर अच्छा साफ़ नहीं करूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर हो ही जाता है, अच्छा बड़ा फंक्शन रहता है तो बस इसको सर्फ डालकर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे भी जैसे कि हफ्ते में या फिर 10 दिन में मैं एक बार इसको जरूर वॉश करती हूँ। तो ये देखिए जो डोर है इसको भी मैं अच्छे से धो लूँगी, यहाँ पर भी धूल मिट्टी लगी हुई है, आप लोग देख ही सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से मैं धो लूँगी। मेरा किचन कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा है ना बीच बीच में अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग देखा ही होगा मेरा जो किचन है ना वो जो एकदम प्लेन नहीं है, तो इसी कारण है ना थोड़ा सा वो हुआ है, हल्का हल्का कैसे फटा भी है, तो वहाँ पर मैं और लगा दूँगी क्योंकि वो समझ में तो नहीं आएगा। और प्लांट वगैरह आप देख सकते हैं पूरे सूख गए हैं, ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, मिट्टी पूरी सूख चुकी है। और जो मेरा प्लम वाला प्लांट था तो आप देख ही सकते हो, पूरा बंदर ने उखाड़ा था ना, उसके बाद से तो बस वो एकदम सूख गया था, तो पूरा ही सूख गया था। अब देख सकते हैं एक नई वाली आ रही है इसमें, तो अब देखते हैं कैसा होता है। पानी सबको दे दूंगी और इसको मुझे फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये जो स्नैक प्लांट है ना इसको। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग में एंड करती हूँ, किचन कैसा लगा जरूर मज़ा शेयर कीजिएगा, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।